हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कॉपी चेकिंग किस तरह से होता है और हम अपने मार्क्स को किस तरह से और इंक्रीज कर सकते हैं, अपने कॉपी में हम किस तरह से अपने आंसर्स को लिखेंगे जिसके वजह से हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहें। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि कॉपी साइन करते समय टीचर के माइंड में क्या चल रहा होता है, यानी कॉपी किस तरह से टीचर साइन करते हैं और उनको कितना समय मिलता है कॉपी साइन करने के लिए। टीचर किसी का भी कॉपी जब चेक कर रहे होते हैं तो 3 से 5 मिनट तक का समय लेते हैं, इससे ज़्यादा समय वो नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कॉपी भरा पड़ा रहता है, जिसके वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि एक कॉपी के लिए वो बहुत ज़्यादा समय ले। तो इसके लिए वे क्या करते हैं, किस तरह से वे आंसर को देखते हैं, किस तरह से कॉपी साइन करते हैं, इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो आंसर्स लिख के आएंगे वो भी बहुत ही अच्छे से आप लोग लिख के आएंगे और अपने मार्क्स को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझे, जब टीचर कॉपी साइन कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ये माइंडसेट होती है कि सबसे पहले तो वे राइटिंग देखते हैं कि उनकी राइटिंग कैसी है, और सेकेंड चीज की वे सीक्वेंस देखते हैं कि सीक्वेंस वाइज जो आंसर है वो है कि नहीं है। बाय द वे, अगर हम लोग सेक्शन डी से स्टार्ट कर रहे हैं तो लगातार नंबरिंग अगर है सबका तो उससे टीचर काफी प्रभावित होते हैं और उनको कॉपी जांच करने में भी काफी सुविधा होती है, तो इससे वहां पे मार्क्स अच्छे आने के चांसेस रहते हैं। अगर हम सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, तब तो हम लोग 1 से लेके लगातार लिखते रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेक्शन डी बना रहे हैं, 2 क्वेश्चन बनाए, फिर सेक्शन ए आ गए, वहां से 1 क्वेश्चन बनाए, फिर सेक्शन सी से 4 क्वेश्चन बनाए, फिर सेक्शन बी से 6 क्वेश्चन बनाए, कुछ इस तरह से होता है। मतलब अलग अलग सेक्शन से हम लोग जब इधर उधर करके बनाते हैं तो इससे टीचर जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं और उस टाइम हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझे, टीचर जब कॉपी साइन करते हैं तो उनके दिमाग में बस यही चीज होती है कि बस मुझे लाइन बाय लाइन मिलती रहे, जिससे कि उनको कॉपी जांचने में बहुत ज्यादा सुविधा महसूस होती है। तो पहला, कोई भी सेक्शन आप शुरू करें, ये चीज याद रखें, कोई भी सेक्शन आप शुरू करें उसको सीक्वेंस वाइज बनाए, लगातार बनाए। आप अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, जैसे अगर 30 लास्ट क्वेश्चन अगर 30 है तो 30, 29, 28 इस तरह से बनाए, या फिर लाइन बाय लाइन अगर बना रहे हैं 1, 2, 3, 4 तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले हम 2 बनाए, फिर 15 बनाए, फिर 20 बनाए, फिर 14 बनाए, इस तरह से आप लोग ना बनाए, तो इससे क्या होगा, टीचर फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। ये तो हो गया पहला चीज कि सीक्वेंस में हमें कॉपी जो है लिखनी चाहिए। दूसरा चीज, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि टीचर को कॉपी साइन करने में ओनली 3 से 5 मिनट ही समय लेते हैं, तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग का जो कम से कम 2 और 3 पेज होगा, 2 से 3 पेज साफ साफ आप लोग को वहां पे लिखना है, साफ साफ और सही सही भी लिखना है। उसके बाद में भी आपका थोड़ा बहुत इधर उधर राइटिंग हो जाए, या फिर थोड़ा बहुत अपने से खुद से बना के भी लिख लिए, थोड़ा बहुत आंसर गलती भी है तो वहां पे आप लोग का चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग का जो 2-3 पेज होगा, अगर अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना जो प्रेजेंटेशन होगा आंसर्स का अच्छा वहां पे अगर आप दे देते हैं तो आपके डेफिनेटली एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ये आप लोग एकदम कंफर्म रहे, क्योंकि एग्जामिनर यही देखते हैं कि स्टार्टिंग का जो मेरा आंसर्स जो स्टूडेंट्स लिखे हुए रहते हैं उन्होंने किस तरह से अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट किया है, तो वे आंसर्स देख के ही टीचर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्होंने ये देखा कि स्टार्टिंग का जो आंसर है बिल्कुल टू द पॉइंट है, एकदम आंसर जो हमें लिखना चाहिए वही है, तो उसमें टीचर क्या होंगे, वहां पे आपको फुल नंबर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपका आंसर्स गलत देख लिए तो टीचर वहां पे पहले समझ जाते हैं कि आगे का आंसर भी मुझे कुछ ऐसे ही मिलने वाला है, तो उस तरह का मार्क्स हम नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं जिस तरह का उम्मीद हम रखते हैं। तो ये हो गया दूसरी चीज। एक और चीज है जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम अपने आंसर्स को लिखे तो ऊपर में आप सेक्शन जरूर इंडिकेट करें, जैसे कि अगर हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो ऊपर में आप सेक्शन ए लिखे, सेक्शन बी के बना रहे हैं क्वेश्चंस को ऊपर में सेक्शन बी लिखे, इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं तो आंसर 1 लिख ले या फिर क्वेश्चन 1 लिख ले, और नीचे हम लोग और एक बार लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो इस तरह से लिखने से जो साइन करने टाइम टीचर जो होते हैं काफी प्रभावित होते हैं और उनको कॉपी जांचने में भी बहुत ज्यादा सुविधा होती है। इस तरह से आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।